गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन, वो भी पेंसिल कलर से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा हमारा पहला गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुका है, मतलब हमने उसको ड्रॉ कर लिया है। तो नेक्स्ट गुलाब जामुन में मैं अभी बना रही हूँ और इस गुलाब जामुन में आप सभी को प्रोसेस बताऊँगी। इस गुलाब जामुन को हम एक गुलाब जामुन का कलर लाने के लिए लेयरिंग मेथड का यूज़ करेंगे। मीन्स बहुत सारे कलर को मिक्स करके लेयर बाय लेयर, एक पहला लेयर, सेकेंड कोट, थर्ड कोट, ऐसे कोट दे देकर हम उसको गुलाब जामुन का जो कलर है उसमें लाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले येलो, लाइट येलो कलर दे दिया, एकदम धीरे हल्का हल्का शेड कर लिया। एंड नेक्स्टली मैंने इसके ऊपर ऑरेंज कलर दे दिया और अभी मैं ब्राउन कलर दे रही हूँ एकदम साइड साइड में। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, हर वक्त जब भी आप शेडिंग कर रहे हो, कहीं यहाँ पे पेंसिल हो या पेंसिल कलर हो या फिर कोई भी कलर का मीडियम हो, हर वक्त डार्क से लाइट की ओर ही जाना है। हमेशा याद रखिए कि आपका लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है। जो भी सोर्स आ रहा है, जिस तरफ से, उस तरफ को आपको लाइट छोड़ना है और जिस पार्ट में लाइट ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहा है उस पार्ट को ही आपको डार्क करना है। अगर आप पूरा पार्ट डार्क कर लेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। एक चीज़ को रियलिस्टिक दिखाता है सिर्फ उसकी लाइटनिंग। आपको लाइट शेड पर जितना काम कर सकते हैं उतना आपका कलर ड्राइंग रियलिस्टिक दिखेगा। मैंने लास्ट में यहाँ पे डायमंड लाइट का यूज़ किया है, मतलब डायमंड लाइट का जो होता है वो चीज़ों को और 3D इफेक्ट में लाता है, वो और ही रियलिस्टिक दिखता है। सभी कलर करने के बाद हमें इस पर डायमंड लाइट इफेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा गुलाब जामुन इतना अच्छा दिखेगा कि मानो उठा के खा ले। तो मैं यहाँ पे वाइट फैब्रिक कलर का यूज़ कर रही हूँ और इसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं डायमंड लाइट इफ़ेक्ट। हाँ, तो मैंने ये ऊपर का पार्ट बना लिया है। अभी हम इसके नीचे का हिस्सा बनाने वाले हैं जो कि गोल्डन कलर का हम बनाएंगे। मैंने बहुत सर्च किया गूगल में ताकि मैं इस कलर को पा सकूँ, पर मुझे नहीं मिला। तो मैंने खुद इसको एक्सपेरिमेंट करके 4 कलर को मिलाकर गोल्डन कलर बनाया है। इसके लिए मैं ये 4 कलर यूज़ करने वाली हूँ, आप देख सकते होंगे अच्छे से। इन्हीं 4 कलर से ही हम बनाएंगे गोल्डन कलर। तो सबसे पहले मैं एकदम जो लाइट कलर है, लाइट येलो है, वो यूज़ करूँगी, एकदम लाइट जो है इन चारों में से। पहले ये कलर यूज़ करूँगी, लाइट येलो। देन उससे थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करूँगी। उसके बाद हम पूरा डार्क यूज़ कर देंगे और जो मिडिल कलर है उसको हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। एकदम लास्ट में उसको कलर को मिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे।